आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी सेहत कार्यक्रम में। मैं हूं डॉक्टर निखिल शासने और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं जाने माने डॉक्टर अविलाश तिवारी। डॉक्टर अविलाश तिवारी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। उन्हें उनका डोंबिवली में साई हेल्थ केयर हॉस्पिटल है, रहते हैं मुलुंड में, और आपने MBBS MRCP इंटरनल मेडिसिन में किया है रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन आयरलैंड से। आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन UK से किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड डायबिटीज़ रॉयल कॉलेज ऑफ UK, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, इसमें आपको डिस्टिंक्शन मिला है, सर्टिफाइड इन मास्टर क्लास हाइपरटेंशन UK से, और ये MD डॉक्टर है। तो डॉक्टर अविलाश तिवारी, आपका हार्दिक स्वागत है FM Gold की टीम से और हमारे श्रोताओं की तरफ से। सो अविलाश जी, आज क्योंकि आप डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के स्पेशलिस्ट हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन ये होता क्या है और इसके बारे में कुछ हमें बताएं, इसका क्यों होता है या कुछ लक्षण बताएं इसके बारे में। निखिल, ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जिस प्रेशर से सभी वाइटल ऑर्गन, शरीर के सभी ऑर्गन को एक एडिक्वेट अमाउंट, एक एडिक्वेट प्रेशर में ब्लड सप्लाई होता है। हालांकि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद या थ्रेशोल्ड के बाद यदि ये प्रेशर बढ़े ब्लड वेसल के अंदर, तो उसके वजह से कुछ वाइटल ऑर्गन्स में चेंजेस होते हैं, जिसे हम टारगेट एंड ऑर्गन बोलते हैं, और इसीलिए इस प्रेशर को कंट्रोल में रखना अनिवार्य बन जाता है। दुर्भाग्य से एक पेशेंट डॉक्टर के पास तभी जाता है जब उसे बुखार या बदन दर्द हो। अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, क्रॉनिक किडनी फेलियर, इन बीमारियों में किसी भी तरह के कोई लक्षण नहीं होते शुरुआत में। इसलिए पेशेंट ज़रूरी नहीं समझते कि भाई हमें डॉक्टर के पास जाना है। जब मेडिक्लेम या किसी और पर्पज़ के लिए जब वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, तब पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है। वो सबसे कॉमन क्वेश्चन सब पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे तकलीफ तो कुछ नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो क्यों मैं ट्रीटमेंट कराऊँ, क्योंकि मुझे कोई लक्षण नहीं है। तब हमें एम्फोसिस करना है कि ये साइलेंट किलर है, क्योंकि इसके वजह से मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हर साल स्ट्रोक, जिसे हम सादा भाषा में पैरालिसिस कहते हैं, कम उम्र में या एक पर्टिकुलर एज के बाद हार्ट अटैक होना, हार्ट फेलियर होना, और ब्लड वेसल्स जो अपने आँख के अंदर होते हैं, रेटिना जिसे कहते हैं हम, तो उसमें भी डैमेजेस होना चालू होता है। तो एक पर्टिकुलर लेवल होता है, एक थ्रेशोल्ड होता है, जिसके बियॉन्ड यदि अगर प्रेशर बढ़ता है, यदि आपको लक्षण ना भी हो, तो उसका इलाज करना अनिवार्य है और रेगुलर मेडिसिन लेना अनिवार्य है। तो फिर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हर बार इनिशियली लक्षण या सिम्टम्स आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर अगर टेस्टिंग में, जैसे कि इंश्योरेंस में हेल्थ चेकअप कर रहे हैं और तभी अगर डायग्नोस हुआ, तो डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ हम शुरू करेंगे। एक किशोर कुमार का गाना सुन लेते हैं, डॉक्टर साहब के पसंद का है, तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार का गाना। चल रही है दिल की ही, हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की, और हमारे साथ डॉक्टर अविलाश तिवारी हैं। डॉक्टर अविलाश तिवारी डोंबिवली में जनरल प्रैक्टिशनर्स की भी लेक्चर्स लेते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स दूर दूर से इनके लेक्चर सुनने आते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपके लिए ये है कि अपना हाइपरटेंशन होता क्यों है, और अगर लक्षण नहीं है तो फिर दवाई क्यों लेनी है? अच्छा प्रश्न पूछा डॉक्टर निखिल आपने। कुछ पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं हल्का सिर दर्द, स्पेशली सवेरे उठने के बाद, ये एक लक्षण है, पर ओवरऑल हम इसे एक सिम्टम्स नहीं मानते, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद उन्हें कोई तकलीफ होती नहीं है। रही बात ब्लड प्रेशर होता क्यों है, 95% लोगों में प्राइमरी हाइपरटेंशन, जैसे एडियोपैथिक हम कहते हैं, जिसमें कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं होता, बाय एंड लार्ज हम इसे जेनेटिक डिसीज़ कहते हैं, और एक पर्टिकुलर एज के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो इसमें यूजुअली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना अनिवार्य बन जाता है। इसके स्टेजेस होते हैं, काफ़ी टाइम पेशेंट्स हमसे आके कहते हैं डॉक्टर साहब कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी है, मुझे लेना नहीं है मेडिसिन।
तो आप बताइए। तो इसीलिए हम डॉक्टर्स और हम सभी डॉक्टर्स को पेशेंट को एनकरेज करना है कि स्टेज वन या स्टेज टू के बाद अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो काफ़ी बार पेशेंट को 3 से 4 मेडिसिन की ज़रूरत लगती है और रेगुलर लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं क्या वाकई में हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। आपने देखा होगा कई बार पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर मुझे ब्लड प्रेशर और मैं रेगुलर एक मेडिसिन लेता हूँ, पर जब हम चेक करते हैं तब हमें पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। पेशेंट इस बात को लेके काफ़ी खुश रहते हैं कि भाई मैं तो दवा ले रहा हूँ, लेकिन वो दवा का असलियत में कोई मतलब नहीं अगर हमारा ब्लड प्रेशर वाकई में एक टारगेट लेवल के बियॉन्ड जैसे 130-80 के नीचे नहीं मेंटेन होता और एल्डरली पेशेंट में 150-90 के बिलो मेंटेन करना पड़ता है। कभी कभी इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें 2 या 3 या 4 या 5 दवाओं का सेवन करना ज़रूरी है। और ये डॉक्टर शिकवा तो नहीं, पर हम आज बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अविलाश तिवारी। जी हाँ, ये प्रोग्राम के दरम्यान जो कुछ हम साइंस और सिम्टम्स बोल रहे हैं, जो लक्षण बोल रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट में आएंगे और उसका तनाव लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये एक अवेयरनेस टाइप में एक प्रोग्राम है जिसके वजह से डायबिटीज़ और बीपी के बारे में जन जागृति हो। तो कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, खुद से जाके दवाई नहीं लेना है। कुछ तकलीफ़ हो तो पहले नज़दीकी डॉक्टर, जनरल प्रैक्टिशनर, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर है उनसे मिलना है, बाद में फिर हायर स्पेशलिटीज़ के पास जाना है, पर सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। और अभी हम हमारे प्रोग्राम की ओर मुड़ते हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि कोई कोई लोग बीच में ही डायबिटीज़ या बीपी के भी दवाइयाँ रोक देते हैं, तो क्या ये करना सही होता है? और मेरा अगला प्रश्न ये है कि अगर हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की बात की जाए तो कोई आसान सी टेस्ट या जांच आप हमें बताएं कि जो हम आसानी से कर सके, किधर भी हो सके। बढ़िया सवाल है निखिल आपका। मैं पहले प्रश्न की तरफ आता हूँ कि क्या हमें बीच में मेडिसिन बंद कर देना चाहिए। एक सबसे कॉमन या मिसकंसेप्शन लोगों में है, जैसा आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चालू करने के कुछ दिनों के बाद जब वो पाते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया तो वो ये समझ बैठते हैं कि अब मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और मुझे दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि ये बहुत गलत है। पेशेंट महोदय को इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल में आया है वो मेडिसिन और उनके लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आया है और उसे मेंटेन करना है और रेगुलर मॉनिटर करते रहना है। इसलिए मैं कहूँगा कि कभी भी गलती से दवाइयाँ बिना डॉक्टर के सलाह के बीच में बंद करना अनुचित रहेगा। और कभी इन केस कभी किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से लेके और भी अलग क्लासिफिकेशन के ड्रग्स ले सकते हैं, पर बीच में दवा बंद करना बहुत ही घातक हो सकता है। और रही बात दूसरे प्रश्न की, बेसिक इन्वेस्टिगेशन, सबसे सिंपल इन्वेस्टिगेशन मैं कहूँगा कि आप रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कराते रहें सवेरे और शाम और 2-3 रीडिंग लेते रहें। अभी हमारे देश में एक नई तकनीक आई है जिसे हम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कहते हैं, जो कि बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। हालाँकि उन पेशेंट्स के लिए जिनमें अक्सर आप पाए जाते हैं कि भाई किसी समय उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है और किसी समय उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल पाया जाता है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है नहीं। ये एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस से हमें पता चलता है और यदि पेशेंट वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है कि नहीं इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ हम पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि रेगुलर दवा लेना अत्यंत ज़रूरी है। कोई पेशेंट्स का ऐसा भी होता है कि डॉक्टर के पास जाने के बाद वो बोलते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो क्या उनके लिए ये एम्बुलेटरी जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है वो सही रहेगी? हाँ ज़रूर, मैं कहूँगा इन यूरोप और मैं खासकर लंदन साइड में इसे कॉमनली यूज़ किया जा रहा है। रही बात भारत में, कुछ डॉक्टरों के पास ये सुविधाएं हैं, जहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं वहाँ पे पेशेंट से हम कहेंगे कि होम मतलब खुद के घर में जो आजकल डिजिटल ब्लड प्रेशर है अगर प्रॉपर तरीके से मेजर किया जाए और काफ़ी रीडिंग ली जाए तो एक एवरेज निकाला जा सकता है जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहते हैं एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट सीट टवर्ड्स एनी हीलिंग प्रोसेस। आपको मानना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, तभी उसका इलाज होगा। और यंग जनरेशन में प्रॉब्लम ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं अरे आपकी उम्र
बीपी क्या है इतने कम उम्र में, और इस उम्र में आप बीपी की दवा तमाम उम्र लेंगे, और इस वजह से काफ़ी लोग केवल भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में बीच में दवा बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कम उम्र में या जल्दी उन्हें स्ट्रोक या हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर जैसी बीमारियों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो चलते हैं कि दवाई हम बीच में बंद नहीं करेंगे, अगर थोड़ा सा भी बीपी बढ़ गया है या बीपी के कुछ लक्षण लग रहे हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएंगे, ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक कराएंगे, और एक्सेप्टेंस जैसे आपने कहा कि स्वीकार करना, अगर ब्लड प्रेशर बड़ा है तो बड़ा है, जैसे कि अभी मैंने चश्मा पहना है, बचपन में ही लगा है, तो चश्मा अगर मैंने पहना तो मेरे कामकाज बहुत सहज तरीके से मैं कर सकता हूँ, बिना चश्मा मैं कामकाज कर सकता हूँ पर उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकता, तो एक्सेप्टेंस इज इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे ही एक एक्सेप्टेंस भरा गीत। अविलाश, अभी हमारे पास एक प्रश्न आया कि जैसे आपने कहा कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके, पर कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो हर रोज़ जाके ब्लड प्रेशर चेक करते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोल भी देते हैं कि भाई जी आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे आप? और मैं एक दूसरा प्रश्न जोड़ना चाहता हूँ कि दवाई तो लेना अनिवार्य है और उसके साथ आप कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस के बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? जी निखिल, पहला प्रश्न जो आपने कहा कि कई सारे पेशेंट्स घबराए हुए रहते हैं, बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए, तो मैं उनको ये सलाह दूंगा, अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है और आप दवा ले रहे हैं, और यदि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है 2 या 3 रीडिंग के बाद, तो रोज़ रीडिंग लेने की कोई खास ज़रूरत नहीं है यदि आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं। रही बात अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है और बार बार आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अंदर से घबराए हुए हैं, और घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एडिक्वेट लाइफस्टाइल, जो प्रश्न आपने दूसरा पूछा, अगर उसको फॉलो करेंगे तो बहुत ज़रूरी है। मैं सभी पेशेंट्स और श्रोताओं से ये कहना चाहूँगा कि ये बात या इस गलत फहमी में केवल ना रहें कि हर एक बीमारी का इलाज केवल दवा है। नहीं, मॉडर्न मेडिसिन भी पहले लाइफस्टाइल को एम्फोसिस करता है। लाइफस्टाइल का अर्थ है एक अच्छी ज़िंदगी, जैसे कि सबसे पहले आपको नमक का सेवन काफ़ी कम करना है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक जगह पर बैठ के हम जिंदगी व्यतीत करते हैं, चाहे कंप्यूटर ऑफिस, उसके बगैर रोज़ कम से कम 45 मिनट मॉडरेट टू ब्रिस्क वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना है, डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करना है बट लो फैट करना है, और जहाँ तक बात है तंबाकू या शराब की, तो इसका सेवन बंद करेंगे तो उतना बढ़िया रहेगा। इनके अलावा जब आप दवा लेंगे तो दवाओं का असर आपको अप्रोप्रिएट मिलेगा। यदि आप सोचेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा नमक खाऊं, एक्सरसाइज ना करूं, शराब लूं, तो अगर और ये उम्मीद करें कि सब कुछ मेरा केवल मेडिसिन करेगा, तो वो गलत है। सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ मेडिसिन लेना, और तीसरी बात, रेगुलर अपने डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना अनिवार्य है। जी हाँ, तो हम समझे कि एक्सरसाइज, डाइट, और अभी योगा डे भी आ रहा है तो योगा करना है, वर्ल्ड नो टोबैको डे हो गया है, तंबाकू छोड़ना है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो दवा भी बिल्कुल लागू होगी और हमारे कंट्रोल में रहेगा हाई ब्लड प्रेशर। तो आइए मन्ना डे की आवाज़ में सुनते हैं अगला गीत। डॉक्टर साहब, आप डायबिटीज़ भी भारत में उतनी ही कॉमन बीमारी है, तो समय कम है तो आप कुछ डायबिटीज़ के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहे तो प्लीज़ उसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी डालिए। जी निखिल, आपने सही प्रश्न पूछा। डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि रेगुलर आप अपना ट्रीटमेंट मेडिकेशन रेगुलर लेते रहिए। सबसे ज़रूरी बात डायबिटीज़ की है कि कोई दो पेशेंट कभी भी एक समान नहीं होता। आप कभी भी कंपेयर करेंगे कि भाई सामने वाले का ग्लूकोज कंट्रोल में मेरा नहीं है, तो इस बात को लेके मन में काफ़ी बार चिंता होती है, लेकिन डायबिटीज़ को मैनेज करना एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है, जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दवा और कभी कभी इंसुलिन का यूज़ करना भी ज़रूरी है।
यदि दो या तीन मेडिसिन के बावजूद और लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद यदि आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है और आपके डॉक्टर कहते हैं इंसुलिन की ज़रूरत है, तो उसे बिल्कुल हिचकिचाई नहीं। हमारे देश में जैसे ही हम पेशेंट से कहते हैं इंसुलिन की ज़रूरत है, पेशेंट कहता है आप और तीन चार दवाइयाँ लिख दीजिए पर हमें इंसुलिन लेना नहीं है। पर वास्तविकता में इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस अगर एक बार डेवलप हो जाते हैं तो मेडिसिन से हम सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं पर उसे रिवर्स करना बहुत डिफ़िकल्ट है और नामुमकिन भी कह सकता हूँ मैं एक हद तक। इसलिए आपका रेगुलर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात हर डायबिटीज़ पेशेंट के लिए मैं कहूँगा कि कोई एक पर्टिकुलर दिन जैसे जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी के दिन आँख के डॉक्टर के पास जाके अपना रेटिना ज़रूर चेक कराएं। और फुट केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फुट केयर का अर्थ यह है कि हमें पता नहीं चलता कि पैर में ज़ख्म लग जाए और एक बार एम्प्यूटेशन मतलब पैर काटने की नौबत तक आ जाती है। तो रेगुलर फुट केयर करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने रेगुलर डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास जाके इसके बारे में सामने से प्रश्न पूछें कि आगे मुझे क्या लेना है। डायबिटीज़ का मैनेजमेंट ये दो साइडेड बिजनेस है, जितना डॉक्टर का नहीं उतना पेशेंट का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। केवल आप सोचें दवा लिख दें ऐसा नहीं है, पेशेंट को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और लाइफस्टाइल के साथ एडिक्वेट एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन, ताकि हमें टारगेट जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना है उसकी तरफ ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। तो आप अगर डायबिटीज़ के जाँच के बारे में भी कुछ अभी बता दें तो अच्छा होगा, क्योंकि समय कम है, तो थोड़ा जाँच के बारे में बता देंगे कौन सी। जी निखिल जी, कॉमन क्वेश्चन पेशेंट पूछता है कि जो ग्लूकोमीटर अवेलेबल है क्या हमें घर में हर बार हमें चेक करना है? तो मैं कहूँगा जिन्हें इंसुलिन चल रहा है या ऐसी दवाइयाँ जहाँ से शुगर ड्रॉप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, उन पेशेंट्स के लिए घर में ग्लूकोमीटर रखना बहुत ज़रूरी है। पर जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो सिंपल दवाओं पे मैनेज करते हैं ओरली, उनके लिए फ्रीक्वेंटली होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और आइडियली अगर आपका शुगर कंट्रोल में हो गया तो 6 महीने में एक बार एटलीस्ट ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक कराएं। बट बहुत ज़रूरी बात है कि डायबिटीज़ के साथ दो और चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना है, वो है ब्लड प्रेशर और लिपिड्स। इन दोनों का ट्रीटमेंट समन्वय है और हमें साथ में इसका ट्रीटमेंट करना है, ताकि हमारा एक पर्टिकुलर टारगेट होता है वो टारगेट को अचीव करना है। टारगेट का अर्थ दो होता है, पेशेंट कहता है सब्जेक्टिव वेलबिंग कि डॉक्टर साहब आपके इलाज के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक ऑब्जेक्टिव है जो डॉक्टर असेस करता है कि मैं जिस बीमारी का इलाज कर रहा हूँ क्या वो एडिक्वेट टारगेट तक हम पहुँच चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ को हमें अचीव करना है, लेकिन साथ में पेशेंट के कल्चरल एथनिक बैकग्राउंड उसको ध्यान में रखते हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट के रीच में होनी चाहिए मेडिसिंस। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस बात को हम लोग ज़रा नोट कर लेंगे कि हर अपने जन्मदिन पर या एनिवर्सरी पर डायबिटिक्स पेशेंट्स जाके आँखों का चेकअप कराएंगे, फुट केयर के बारे में याद रखेंगे, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा वो टेस्ट हम करेंगे। तो अभी भी थोड़े से चंद मिनट है हमारे पास, एक गीत सुन लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर अविलाश तिवारी से एक टेक होम मैसेज ले लेते हैं। जी हाँ, घड़ी के काटे हमें टाटा बाय बाय करने का संकेत दे रही है, तो डॉक्टर साहब को हम लोग को यहीं पे उनको बाय बाय बोलना पड़ेगा। पर जाते जाते उनसे एक इंटेलिजेंट सी टिप लेंगे कि टेक होम मैसेज डॉक्टर साहब आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे लिए देना। बीच में एक कॉलर का फ़ोन आया था, वो डेली सूर्य नमस्कार करते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, पॉलिश फूड नहीं लेते, तो वो भी अगर हो सके तो टेक होम मैसेज में बता दीजिए। जी निखिल, सभी पेशेंट श्रोताओं के लिए मेरा एक टेक होम मैसेज है। काफ़ी रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए, मरीजों के लिए है, वो है आइडियल बॉडी वेट अचीव करना। 5-10% हमने अगर बॉडी वेट रिड्यूस किया तो अर्ली स्टेजेस में हम डायबिटीज़ होने से रोक सकते हैं और आपका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है, बशर्ते ग्रेजुअली 5-10% बॉडी वेट कम करना है। दूसरा, नमक का सेवन जितना कम रखेंगे उतना ठीक है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे ना रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, चाहे मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो, एरोबिक है हो या वेट लिफ्टिंग हो, आप एक्सरसाइज रेगुलर करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है अल्कोहल और टोबैको का। लोगों में ये मिथ है, कई बार पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने पेपर में पढ़ा है कि भाई अल्कोहल इज़ गुड फॉर हार्ट। यदि कोई ऐसा कहता है तो गलत है, बिकॉज अल्कोहल जब लेते हैं तब
CNS डिप्रेसेंट है, बट बाद में हमारे बॉडी का सिंपैथेटिक टोन बढ़ जाता है जिसके वजह से सब कॉम्प्लिकेशन अराइज होते हैं। इसलिए हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि अल्कोहल और टोबैको का सेवन करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, कुछ लोगों में आपने पाया होगा कि रात को बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते हैं और नेक्स्ट दिन उन्हें दिन भर सुस्ती और नींद आती है, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम बोलते हैं। यदि इस तरह के लक्षण हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को मिलिए। और सबसे ज़रूरी बात, यदि आपको मेडिसिन चालू है तो गलती से दवा बंद मत करिए बिना डॉक्टर के सलाह के। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अविलाश तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एफएम गोल्ड टीम की तरफ से और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। तो दवाई बीच में बंद नहीं करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो और रेगुलर चेकअप्स करेंगे, ये है टेक होम मैसेज। तो हमारी सेहत कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और अभी दिल्ली से आप समाचार सुनेंगे।